अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद। वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपो सीएलआई को स्टडी किया था, उससे पहले हम रिएक्ट नेटिव सीएलआई को स्टडी कर चुके हैं। ये हमारी रिएक्ट नेटिव का कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट को सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बॉयलर प्लेट्स क्या होते हैं, रिएक्ट नेटिव के पॉपुलर बॉयलर प्लेट्स कौन कौन से हैं और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए या क्यों यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ें हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि बॉयलर प्लेट क्या है। मैं यहां पे ब्राउजर ओपन कर लूंगा और सर्च करूंगा बॉयलर प्लेट। ओके, बेसिकली बॉयलर प्लेट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब से हमने अभी तक दो प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया है, एक हमने बेसिकली यूज किया था रिएक्ट नेटिव सीएलआई को यूज करते हुए, जो कि हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया था। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमने रिएक्ट नेटिव सीएलआई को यूज करते हुए बनाया था और ये प्रोजेक्ट हमने एक्सपो सीएलआई को यूज करते हुए बनाया था। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर बना है, जो फाइल्स बनी है, ये सारी चीजें, जो पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, जो पैकेजेस की कॉन्फ़िगरेशन हुई है, इस सारे सिस्टम को आप समझ ले सकते हैं कि ये एक बॉयलर प्लेट है। ये एक टेम्पलेट हमारे लिए बनाया हुआ है। हमने एक कमांड रन की, उनने हमारे लिए पैकेजेस बता दिए, अच्छा ये पैकेजेस करो, उससे ये काम होगा, वो होगा। हमें हमने कुछ नहीं देखा कि अच्छा एक्सपो क्या है, ये क्या चीजें हैं, हमें उनको स्टडी नहीं किया। हमने इसकी कन्फिग्रेशन नहीं की, हमने ये वाली कन्फिग्रेशन नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको कमांड को रन किया, उसने हमारे लिए ये प्रोजेक्ट को सेटअप कर दिया। और उसके बाद हमने सिर्फ ये कमांड को, जो कि अगेन उन्होंने हमारे लिए कमांड लिखी, हमने इस कमांड को रन किया, उसको सिमुलेटर में यहाँ पर चलाया। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसको ओपन कर लूँ और सिर्फ मैंने जब यहाँ पे चेंज किया तो वो चेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये सारा काम हमारे लिए एक बॉयलर प्लेट, एक टेम्पलेट ने किया, जो कि एक ऑफिशियल टीम ने या कम्युनिटी टीम ने डिफाइन किया हुआ था। ओके, ये चीज हमें समझ लग गई कि बॉयलर प्लेट क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम क्यों यूज करें। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि बेसिकली हम इस इन दोनों में से कोई एक डिफॉल्ट टेम्पलेट क्यों यूज ना करें और कोई बॉयलर प्लेट क्यों यूज करें, उसके लिए मैं बेसिकली आपकी पैकेज डॉट जेसन को ओपन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने इन पैकेजेस को किया है। इसमें कोई भी एपीआई हैंडलिंग पैकेज नहीं है, कोई स्टेट मैनेजमेंट पैकेज नहीं है, कोई हमारे लिए फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ। सोर्स का फोल्डर भी मैंने खुद बनाया था और भी जो बेसिक चीजें होती हैं, क्योंकि हर एक ऐप ने अपने लोकल स्टोरेज को एक्सेस करना होता है, एटलीस्ट जो नॉर्मल इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल होती है। एपीआई हो तो एपीआई के लिए मैनेजमेंट कोई टूल होना चाहिए, उसके अलावा बेसिकली आपको लोकलाइजेशन के लिए कोई चीज चाहिए होती है, थीम मैनेजमेंट चाहिए होता है, कंपोनेंट लाइब्रेरी, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। हम एक्सपो सीएलआई से बना हुआ प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं या रिएक्ट नेटिव सीएलआई से भी बना हुआ प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि फिर हमें हर एक काम खुद करना पड़ेगा। हमें कोई, अगर हमने टेस्ट्स वगैरह लिखने हैं तो उसको हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा, हमने अगर थीमिंग करनी है तो उसको खुद मैनेज करना पड़ेगा, एपीआई हैंडलिंग के लिए खुद पैकेज डिसाइड करना पड़ेगा, सेटअप वगैरह खुद करना पड़ेगा, फोल्डर स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ेगा, हर एक काम खुद बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है एक बॉयलर प्लेट। और जब हम रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पे थे तो यहाँ पर इन्होंने एक बॉयलर प्लेट को मेंशन भी किया था। मैं अगर यहाँ पे वापस आता हूँ रिएक्ट नेटिव में और स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा और, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये इन्होंने एक बॉयलर प्लेट ही मेंशन किया हुआ है। ओके, ये एक सीएलआई है, लेकिन ये सीएलआई एक कम्युनिटी बॉयलर प्लेट की है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। इग्नाइट इसका नाम है। और अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये सारे हैं। इसमें क्या उन्होंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, रिएक्ट नेटिव तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगी। रिएक्ट ये भी जरूरी है रिएक्ट नेटिव के लिए। टाइप स्क्रिप्ट को इसमें किया हुआ है वर्जन 5 को। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रिएक्ट नेटिव में तो यहाँ पे भी टाइप स्क्रिप्ट है और वर्जन 5 पे भी है, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्ट नेविगेशन। नेविगेशन के लिए ये चीज यहाँ पे नहीं है, एक चीज हुई। उसके अलावा आप देखते जाइए, यहाँ पे फॉन्ट्स को किया हुआ है, लोकलाइजेशन को किया हुआ है, स्टेटस बार को, लोकल स्टोरेज को,
एपीआई हैंडलिंग को और भी बहुत ज्यादा चीजों को टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है। तो ये वजह है कि एक बेसिकली बॉयलर प्लेट, और ये एक मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर कह लें बॉयलर प्लेट है रिएक्ट नेटिव के लिए। और कौन कौन से हैं, बहुत आसान तरीका है, आप सिर्फ सर्च इंजन में आए रिएक्ट नेटिव टॉप बॉयलर प्लेट, आप लिख के सर्च करें और आपको बेसिकली सर्च रिजल्ट खुद बता देगा। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा है, इसको भी हम ट्राई करेंगे। हम पहले कंपेयर करेंगे कि बेसिकली कौन सा बॉयलर प्लेट हमें क्या बेसिकली चीजें प्रोवाइड कर रहा है, और फिर जो हमें बेस्ट लगेगा उसको हम यूज करेंगे। और वंस अगेन ये अब क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ, तो ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं इसको प्रेफर कर दूँ या इसको कर दूँ या किसी और को कर दूँ। हो सकता है कि आपको ये ज्यादा पसंद है, ये ज्यादा पसंद है, या आप रिएक्ट नेटिव के साथ जाना चाहें, या आप एक्सपो, या फिर आप एक्सपो सीएलआई के साथ जाना चाहें, सब टोटली फाइन है। आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, एट द एंड हमने काम रिएक्ट नेटिव में ही करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डेवलपमेंट फ्लो को आसान करने के लिए। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या हमें बेसिकली किन किन का बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये बताया हुआ है टाइपस्क्रिप्ट, और इन्होंने कुछ इतना अच्छा नहीं बताया हुआ, इसको रहने देते हैं। और इसके स्टार्स भी नहीं है तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा। मतलब हमारे पास अभी किस सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, उसके अलावा अभी हमारे पास कोई खास ऑप्शन नहीं है, ये भी वही सेम है। ओके, हमारे पास एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। अगर तो हम सिर्फ स्टार्स के पीछे जाएं तो फिर तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसके साथ काम को खत्म करके स्टार्ट कर दें डेवलपमेंट। लेकिन मैं इसको भी देखना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें। यहाँ पे आते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। यहाँ पे मैं इसकी वेबसाइट में जाता हूँ, क्योंकि इग्नाइट ने तो हमें यहाँ पे ही ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बता दिया कि इसने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि बेसिकली इस बॉयलर प्लेट ने क्या किया है। इसकी इमेज तो काफी क्यूट है, लेकिन और देखते हैं कि क्या है। इजी टू यूज है, ओके, कोई इतना मसला नहीं, लाइट वेट, ओके है। टाइप स्क्रिप्ट ये एक चीज है, और स्केलेबिलिटी देखते हैं कि स्केलेबिलिटी में क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं, क्या चीज इसने हमें दी हुई है। मेन है कि फीचर्स क्या क्या दिए हुए हैं। ओके, टाइप स्क्रिप्ट, नेविगेशन है, ओके, डाटा फेचिंग, 10 स्टैक क्यूरी, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, काफी अच्छा है। ओके, इंटरनल लोकलाइजेशन है, ओके है। मल्टी थीमिंग है, ये काफी बेहतर है। ओके, ये बेसिकली जो लोकल स्टोरेज है उसको यूज किया गया है, और इन्वायरमेंट को किया गया है, डन है। और ये बेसिकली जो है ना लोकल स्टोरेज, ये काफी अच्छी है। इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि जो ये इसको यूज कर रहा है, लेट्स सी, दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि क्या। काफी दफा जब हम पैकेजेस या चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करती है, वो ये होती है कि वो जो थीम या प्लगइन या जो भी चीज है वो रिलीज कब हुई थी। अगर वो बेसिकली 10 साल से रिलीज हुई है, तो ऑब्वियसली उसकी जो डाउनलोड्स होंगी, सारी चीजें होंगी, वो ज्यादा होंगी कंपेयर टू जो एक रिसेंट चीज रिलीज हुई है। लेकिन हमें सिर्फ ये चीज नहीं देखनी चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको ट्राई करें और देखें कि अच्छा क्या बेसिकली स्पीड क्या है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सूट ये कह रहा है, वो कह रहा है कि स्पीड है। ओके, उसके अलावा इसको यूज करने का तरीका देखें कि यूज कैसे किया जा सकता है। इसने स्टोरेज बनाई है, उसके बाद ये उसको कंफिगर कर रहा है और सेट कर रहा है चीजों को, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, इस तरह सेट कर रहा है चीजों को। गेट करने के लिए अलहदा अलहदा चीजें हैं, सारी चीजों कीज को गेट किया जा सकता है, ये चीजें। अगर एसिंक में आते हैं, तो एसिंक क्या चीज है, एसिंक की ऑब्वियसली डाउनलोड से आ रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे पूरी है। वेब वगैरह को सपोर्ट करता है, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये किस किस को सपोर्ट करता है, इसमें कौन कौन सी चीजें सपोर्टेड है। ऊपर आते हैं और यहाँ पर बेसिकली अगर इन्होंने मेंशन किया हो सपोर्ट मल्टी इंस्टेंस सपोर्ट, ये ले, ये बेसिकली आईओएस, एंड्रॉयड और वेब को सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये मैक ओएस और विंडोज को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये एक कह लें कि काफी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया हो सकता है इसको चूज करने का। अगर आपने मैक ओएस इन द एंड बेसिकली किसी भी वजह से एक डेस्कटॉप ऐप बनानी है मैक ओएस या विंडोज के लिए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है। कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या है। और जरूरी नहीं है कि आपने एक बॉयलर टेम्पलेट यूज किया, उसमें एक चीज यूज हो रही थी, जैसे कि इसमें ये यूज हो रहा है, और आप चाहते हैं कि
मैं किसी भी वजह से आपने इसको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, आप इस पैकेज को इंस्टॉल करें और यूज करना स्टार्ट कर दें, इस पैकेज को उसमें से रिमूव कर दें, दैट्स इट। तो अभी के लिए हम स्टार्स के साथ मेजॉरिटी रूल के साथ चलते हैं और इग्नाइट को हम चूज करते हैं। ये हमने इसको चूज कर दिया, लेकिन मैंने आपके सामने ये दोनों ऑप्शंस रख दी हैं, आप इसको भी बेसिकली इंस्टॉल करके, और मैं आपको इसको इंस्टॉल करके एटलीस्ट दिखा दूंगा ताकि हम दोनों को साइड बाय साइड उसका फोल्डर स्ट्रक्चर ईटीसी कंपेयर कर सकें और फर्दर डिसाइड कर सकें कि अच्छा क्या बेहतर है। इग्नाइट के साथ प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, रिएक्ट नेटिव के बनाने के लिए आप यहाँ पे इसकी गिटहब के पेज पे आ जाएं और स्क्रॉल डाउन करें, ये यहाँ पे लिखा होगा, ये कमांड है इसके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। मैंने ये कमांड ऑलरेडी रन कर दी हुई है ताकि बेसिकली जो इंस्टॉलेशन वगैरह का टाइम है उस पर टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने कमांड रन की थी, इसने बेसिकली मुझसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले इसने इग्नाइट की सीएलआई को इंस्टॉल किया, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछे बेसिक से, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। इसने सबसे पहले इग्नाइट सीएलआई को इंस्टॉल किया, ओके, उसके बाद इसने ये मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने ये उसके आंसर दिए। मैं इसको जरा इंक्रीज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। बंडलर ऐप का जो बंडल आइडेंटिफायर है, ये बेसिकली आपकी रिवर्स डोमेन होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि मेरे पास डोमेन है zions.com और प्रोजेक्ट जो है ये है कि React Native का प्रोजेक्ट है। तो जो फाइनल आइडेंटिफायर बनता है, जो कन्वेंशन है या स्टैंडर्ड है, वो ये रिवर्स डोमेन आप लिखें com.zions और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। मैंने इसका जो नाम है ये चूज कर दिया कि RN React Native Project Using Ignite, ओके, ये मैंने इसका नाम रख दिया, ये इसका बंडलर मैंने फाइनल किया था। उसके बाद इसने पाथ पूछा, वो मैंने ओके कर दिया। उसके बाद इसने कहा क्या यूज करना है, एक्सपो यूज करनी है कि React Native CLI, मैंने एक्सपो को यूज किया। उसके बाद इसने मुझसे पूछा कि उसका कौन सा फ्लो यूज करना है, मैंने एक्सपो CNG यूज किया, ना कि बेसिकली एक्सपो गो को यूज किया। उसके बाद इसने कहा गिट को इनिशियलाइज करना है, मैंने नो कह दिया। उसके बाद इसने डेमो कोड का पूछा कि उसको रिमूव करना है या रहने देना है, मैंने कहा नहीं, रिमूव नहीं करना। उसके बाद इसने पूछा कि पैकेज मैनेजर कौन सा यूज करना है, मैंने कहा PMPM। उसके बाद इसने पूछा कि क्या डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करना है, मैंने यस कह दिया। और लास्टली इसने मुझसे पूछा कि क्या न्यू आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करना है, मैंने नो कह दिया। ये एक्सपेरिमेंटल था इस वजह से, इसकी और कोई वजह नहीं है नो कहने की। इसने ये सारा काम किया और ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी, मुझे कोई एरर नहीं आया। अगर आपको कोई एरर आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट मैंने सेम काम किया इसके साथ, ये जो है द कोडिंग मशीन रिएक्ट नेटिव बॉयलर प्लेट, इसमें ये कमांड थी इस बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मैंने उस कमांड को भी रन किया। यहाँ पे मैंने उस कमांड को रन किया और प्रोजेक्ट को मैंने नाम दे दिया RN प्रोजेक्ट यूजिंग TCB द कोडिंग मशीन RN रिएक्ट नेटिव बी बॉयलर प्लेट। उसने मुझसे पूछा टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है, मैंने यस कह दिया। उसके बाद बेसिकली उसने टाइपस्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे बेसिकली उसने मुझसे पूछा कोड कोकोपोड्स को इंस्टॉल करना है, मैंने यस कहा। यहाँ पे एरर आ गया लेकिन वो इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पे बेसिकली ये अभी मैंने इसको रन करने की ट्राई की थी लेकिन एरर आ रहा है। इस पर हम वापस आएंगे नेक्स्ट। अब पहले हम इस दोनों के कोड को ओपन करके देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि दोनों का कोड किस तरह का नजर आता है। मैं यहाँ पर इसके कोड को ओपन कर लूंगा, ओह सॉरी मैंने गलत को ओपन कर लिया, वैसे चले ठीक है, एक दफा ही दो को ज्यादा नहीं ओपन करना पड़ेगा मुझे। ये इग्नाइट की जो सीएलआई के साथ मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो ये है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सपो रिएक्ट नेटिव सीएलआई के कंपेयर करें तो इन्होंने और ज्यादा चीजों को कंपेयर किया हुआ है। इन्होंने टाइप्स को कंफिगर किया है, टेस्ट को कंफिगर किया है, प्लगइन्स को, उसके अलावा आईओएस का फोल्डर, इग्नाइट का अपना एक फोल्डर इन्होंने रखा है जो कि किसी वजह से होगा, टेम्पलेट वगैरह कुछ होगा, एसेट्स जिसमें के फाइल्स आएंगी, ये ऐप, ये अब मेन फोल्डर है बेसिकली जिसमें ऐप आपकी जाएगी, हम सोर्स का मेनली यूज करते हैं, इन्होंने ऐप रखा होगा। उसके अलावा पीछों को बंद कर देता हूँ मैं, एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड का कोर फोल्डर है। उसके अलावा ये जो डॉट मेस्ट्रो है इसको रहने दें, ये कोई कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है, डॉट एक्सपो एक्सपो का कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर। यहाँ पे मेन जो इग्नाइट सीएलआई के साथ जो हमने रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाया उसमें जो हमारा मेन कोड है वो ये ऐप में पड़ा हुआ है और ये जो रूट पे ऐप डॉट ts की फाइल है वो आप देख सकते हैं कि वो ऐप में से ऐप का जो कंपोनेंट है उसको ला के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर रहा है और प्ले कर रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे आप फर्दर देख सकते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा सेटअप किया हुआ है जो कि काफी अच्छी बात है, इन्होंने लोकलाइजेशन को सेटअप किया हुआ है, एरर्स को, फॉन्ट को, लिंकिंग को,
रिएक्ट सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, ये बेसिकली हमें बचाता है कि हमारा जो व्यू वगैरह है वो जो नए मोबाइल आए हैं उनमें काफी ज्यादा ऊपर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैमरा होता है, तो उनके पीछे छुप ना जाए कोई भी कॉन्टेक्ट। इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो कि आप जैसे जैसे रिएक्ट के साथ काम करेंगे आपको आती जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कमेंट्स किए हुए हैं, बहुत ही देखने में यूटिल्स बनाए हुए हैं, और इतने ज्यादा यूटिल्स आपको बाई डिफॉल्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, डिले का यूटिल, उसके अलावा थीमिंग यहाँ पे इन्होंने की हुई है, थीम को चेंज करना है, टाइमिंग करनी है, दैट्स इट। नेविगेशन को हैंडल किया हुआ है इन्होंने, ऐप नेविगेशन में स्टैक नेविगेशन आपको क्रिएट करके दिखाई हुई है, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है द कोडिंग मशीन रिएक्ट नेटिव बॉयलरप्लेट वो कैसा है, इसको ओपन करते हैं। वंस अगेन स्टार्ट इन्होंने काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, ENV को इन्होंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसमें देखते हैं इन्होंने किया था ENV को कॉन्फ़िगर। इसमें पैकेज को देख लेते हैं, इन्होंने पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेब के लिए भी बेसिकली ओके है, वेब के लिए ओके है, और भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये चीज इन्होंने की हुई है, इतनी ज्यादा चीजों को इन्होंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है जो कि बहुत एक अच्छी बात है। अगर इन दो फाइलों को कंपेयर करें आपस में तो क्लियरली ये एक विन है कि जितनी ज्यादा आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ऑब्वियसली उतना ज्यादा आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने जो है इन्होंने वेब को कंसिडर ही नहीं किया, तो हम अपना फाइनल इग्नाइट के साथ ही चलेंगे क्योंकि हमने वेब को जरूर कंसिडर करना है, वेब के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी वो बेसिकली इन्होंने ये API सोर्स यूज किया है, ये मैंने पहले कभी नहीं यूज किया। हम मोस्ट प्रोबेबली टेन स्टैक क्यूरी को ही, रिएक्ट क्यूरी को यूज कर रहे होंगे API हैंडलिंग के लिए। इसको मैं ट्राई करूंगा, नहीं इसको मैं ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि इसके बेसिकली डाउनलोड्स भी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ टेन स्टैक रिएक्ट क्यूरी, इसको मैंने पहले भी यूज किया हुआ है और ये बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं इसके डाउनलोड्स, ओवरऑल ये बहुत जबरदस्त है, तो हम इसके साथ जा रहे हो। और फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर डिसेंट है, कंपोनेंट्स हैं, नेविगेशन है, स्क्रीन्स हैं, सर्विसेज हैं, थीम है, लोकलाइजेशन है और टाइप्स है, डिसेंट फोल्डर स्ट्रक्चर है। लेकिन वंस अगेन इग्नाइट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो इससे काफी बेहतर है, और वो हमें बेसिकली ज्यादा चीजों को कह लें कि डेमो करके दिखा रहा है, डिफाइन करके दिखा रहा है कि अच्छा API में आप ये कर सकते हैं। उसने API का हमें कुछ करके नहीं दिखाया, उसने हमारे पे बात छोड़ दिया, ठीक है हम खुद ही करके देख लेंगे, लेकिन ये हमें API का करके दिखा रहा है। इन्होंने चले थोड़ा सा वैसे दिखाया हुआ है तो एटलीस्ट थोड़ा सा है, तो यहाँ से जो क्लियर विन है वो इग्नाइट की है। बाकी जो जो हमें कोई स्पेसिफिक पैकेज चाहिए होगा जो कि इसमें कंफिगर किया गया हुआ है दूसरे बॉयलर प्लेट में, हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन वहां से देख लेंगे और उसको आराम से खुद इग्नाइट के टेम्पलेट में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो में हमने अभी तक जो कवर कर लिया हुआ है वो इनको बाकियों को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सी यहाँ पे ब्रीथिंग स्पेस आ जाए। ओके अभी तक हम यहाँ तक कवर कर चुके हुए हैं। ओके और ये बेसिकली है नेक्स्ट वीडियो थी, लेकिन इसी वीडियो में ये कवर हो गया क्योंकि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल वगैरह कर लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे इग्नाइट के बॉयलर प्लेट से, हम स्टार्ट करेंगे और हम अपनी टू डू ऐप बनाने की तरफ काम को स्टार्ट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मैंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको मुश्किल लग रहा है या समझ नहीं आ रही, या रिएक्ट नेटिव के रिलेटिव कोई भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो आप सीखना चाह रहे हैं तो उसको मेंशन करें, मैं उसके ऊपर अगर ऑलरेडी वीडियो नहीं बनी हुई तो वीडियो बना दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। इस कोर्स को अपने कोलीग फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो कि रिएक्ट नेटिव को सीखना चाह रहा है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।